सुपरलेटिव बहुत पसंद है, यू नो, ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट. तो बुधिया सिंह का जब निकला था बीबीसी में एक न्यूज़, 2004 या 5 में निकला था कि समवेयर ए स्मॉल किड इन इंडिया रन्स अ मैराथन ए डे. तो दैट वाज माय पॉइंट ऑफ दैट इंस्टेंटली कॉट माय इमेजिनेशन. तो आई थिंक वहीं से स्टार्ट हुआ था. एंड मुझे चाइल्ड प्रोडिजीज हमेशा पसंद थे, यू नो, फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा टू मैंने फ्रॉम महाभारत. तो वो पॉइंट ऑफ फैसिनेशन, और मैं उड़ीसा का ही हूँ, आई थिंक एवरी ऑल दोस पजल्स केम टुगेदर. एंड सिंस आई एम फ्रॉम आर्मी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो स्पोर्ट्स हमेशा रहा है पार्ट ऑफ करिकुलम. एवरीथिंग फेल इन प्लेस. एंड बहुत फैसिनेशन था. एक पिक्चर निकली थी, एक कोच साइकिल में है और छोटा बच्चा 5 साल का भाग रहा है. दैट इमेज ऑलवेज कॉट माई इमेजिनेशन. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू टेल द स्टोरी. मनोज जी, आपने ये मूवी में कोच का रोल किया है, तो आपने क्या प्रिपरेशंस किए रोल के लिए? हाउ डिफिकल्ट वाज इट? अब काफ़ी, एक तो मैं रनिंग को लेके बहुत ही पैशनेट हूँ, तो सुबह सुबह मैं 8-10 किलोमीटर भागता हूँ. तो फिटनेस मेरे लिए जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी ज़िंदगी में, तो उसके लिए कभी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी. लेकिन हाँ, सुमेंद्र ने मुझे कहा था कि कुछ दिन के लिए जूडो की क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ एक शॉर्ट्स हैं फिल्म में जूडो की ट्रेनिंग देते हुए, तो उसके लिए मुझे जो है एक बेसिक जूडो की ट्रेनिंग करनी पड़ी थी जूडो क्लासेस में जा कर के. और फिर बच्चों के साथ मैंने वर्कशॉप कंडक्ट किया था. और फिर बाकी स्क्रिप्ट तो मैं बहुत बार पढ़ता हूँ, स्क्रिप्ट बहुत बार पढ़ता हूँ. और बिरंची का जो भी मैंने क्लिपिंग्स देखे थे, उसके बिरंची जैसा था, जो उसके एलिमेंट्स थे, उसको पर्दे तक लाने के लिए काफ़ी एक महीने तक काफ़ी मेहनत की थी. Sir, as you know, this movie is based on a sport drama movie. So, do you think this movie, that Baad Mein Kaha, that collection, it crossed this movie? भी कहा गया है कोच से, इसकी सिंस 1900, 100 साल से इंडिया ने एक भी मैराथन प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किया है. आई थिंक दैट्स द आयरनी ऑफ द स्टेट. आपके सवाल का जवाब देने के लिए, सुल्तान आज 200 करोड़ कमा चुकी है. आप में से कोई बता पाएगा कि वो कितने करोड़ अंत में कमा पाएगी? आपके सवाल का जवाब मिल गया. किसी फिल्म का कलेक्शन कोई कैसे बता सकता है कि उसका इवेंचुअल कलेक्शन क्या होगा? कोई भी फिल्म मेकर नहीं बता सकता है. तो हम भी नहीं बता सकते हैं कि जब फिल्म लगेगी तो कितने का कारोबार करेगी. और मेरे ख्याल से ये सवाल भी गलत है. एक्सपेक्टेशन होती है कि इस फिल्म को तारीफ़ मिले, इस फिल्म से एक जागरूकता फैले कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनमें एक स्पेशल टैलेंट है, जो भगवान ने उनके अंदर टैलेंट दिया है, उसको खोजा जाए, उन टैलेंट को जो है तराशा जाए, उसको एनकरेज किया जाए, उसको डायरेक्शन दिया जाए, ताकि इस हिंदुस्तान में टैलेंटेड बच्चों की कमी ना हो. आई थिंक वो मार्केटिंग रिसर्च था, उन्होंने रैंडमली बहुत लोगों को पूछा था. एंड डोनाल्ड में थोड़ा कन्फ्यूजन था. इट वॉज वेर एज बुधिया सिंह बॉर्न टू रन में पीपल लोगों ने इंस्टेंटली कनेक्ट किया. आई थिंक इट वॉज मोर ऑफ फ्रॉम ए सर्वे एंड फ्रॉम ए मार्केटिंग पॉइंट. आई थिंक टाइटल कोई भी हो, कंटेंट तो वही है. आई थिंक अगर फायदा मिल रहा है तो अच्छी बात है. इट्स बेसिकली क्या है कि बायोपिक जो है, इस साल में 5 फिल्में मेरी आ रही हैं, जिसमें से 2 फिल्में लास्ट ईयर रिलीज़ होने वाली थी. ट्रैफिक लास्ट ईयर होने वाली थी और 7 उचक्के होने वाली थी, लेकिन बाय चांस ये सारी फिल्में इसी साल आ रही हैं. और बाय चांस जो ये तीसरी फिल्म है मेरी, वो सच्ची घटना पे आधारित है और सच्चे किरदारों पे आधारित है. तो मेरे लिए ये लकी है, मेरे लिए ये एक बाय चांस की बात भी है और मेरे लिए अच्छा भी है कि एक हर 2 महीने में 3 महीने में लोगों को एक मेरा नया किरदार लोगों को देखने को मिल रहा है. और उससे जो है मेरी जो काबिलियत है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, लोगों को आराम से पता चल जाएगा. इस साल के अंत तक लोगों को बहुत सारे किरदार में मैं मनोरंजन करूँगा.
इससे अच्छा एक अभिनेता के लिए कुछ नहीं हो सकता है। फॉरेस्ट गंप वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म है, मेरी भी बहुत फेवरेट, पर्सनल फेवरेट इज अ कंपैरिजन, इट्स वेरी हेल्दी आई गेस। मनोज जी, दर्शक इस फिल्म को देखकर क्या सीख सकते हैं और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं फिल्म के रिलीज होने के बाद दर्शकों से? दर्शक जो सीख सकते हैं वो ये कि अपने बच्चों में वो खास प्रतिभा देखें और जो भी उनके अंदर में भगवान ने काबिलियत दी है उस पर पूरा ध्यान दें, उसको इनक्रेज करें, उसको उसको निखारें और उसको आगे बढ़ा आगे बढ़ाते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे बड़ी सीख है हमारे स्पोर्ट्स बॉडीज़ के लिए, हमारे स्पोर्ट्स जो हमारे जो कर्ता धर्ता हैं उनके लिए, कि नेशन के पास में टैलेंट की भरमार है, उसके खोजने वालों में कमी है, खोजने वालों की कमी है, इसके कारण ही बहुत सारे टैलेंट जो बुधिया जैसे हैं वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं या वह बड़े होते तक में वो अलग अलग राह में चले जाते हैं, जो सही टैलेंट है उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। एक अकेला आदमी था बिरंची दास जिसने उस टैलेंट को खोजा था, लेकिन उसको उसके ऊपर भी हमने सवाल खड़े किए और बच्चे को उससे छीन लिया था, और जिसके कारण बुधिया आज 14 साल की उम्र में बिना किसी ट्रेनर के है। आपको लगता है फिल्म के बाद बुधिया सिंह की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होगा? जी बिल्कुल, बुधिया सिंह ये फिल्म बहुत ही, मैंने फिल्म देखी है और मैं बहुत ही फख्र है मुझे कि ये मेरी मेरी मेरे करियर की कि ये एक एक वो फिल्म है जो मेरी मेरे ग्रेट फिल्मों में से मेरे करियर की जाएगी, और मुझे फ़ख्र है इस फिल्म का पार्ट होने में। और ये फिल्म बेशक बहुत ही मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये फिल्म जब रिलीज़ होगी तो ये जो बुधिया सिंह आज 14 साल का हो चुका है, जिसका ख्वाब है कि 18 साल और उससे ऊपर होने के बाद ओलंपिक में दौड़ने का, उसको वो सारी मदद मिलेगी, उसको वो सारा सहयोग पूरे समाज से मिलेगा। उस समय जब बुधिया सिंह आएगा तब हम फिर से आपको इतला करेंगे, और आइए और एक अनोखे टैलेंट को देखिए। क्या रील बुधिया और रियल बुधिया को हम एक साथ देख पाएंगे? आई थिंक कुछ चीजें रखनी चाहिए उस वक्त तक, आई थिंक दैट विल हेल्प द इंट्रिग एंड मिस्ट्री। अभी के लिए इस बिरंची दास को देखिए और संतोष कीजिए। रियल बिरंची दास और रियल बिरंची दास को रील बिरंची दास जो थे वो उनको ही वॉज शॉट डेड, उनको गोली मार दी गई थी, वो आज दुनिया में नहीं है। मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहता, क्योंकि जब न्यूज़ चैनल्स उनके स्टोरी को कवर कर रहे थे तो मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगे थे, वो बहुत ही फैसिनेटिंग लगे थे, और काश वो ज़िंदा होते, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन जहाँ भी उनकी आत्मा है वो आज बहुत फ़ख्र होगा उनको अपने आप पर कि उनकी उस कोशिश की वजह से आज ये फिल्म बन पाई। थैंक यू।